ਡਾਕਟਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ੀਰ ਸਾਗਰ ਨੇ ਟੂਰ ਡੇ ਡਸਪੁਰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਘੰਟੇ ਮੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾ ਔਰ ਇਸੀ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੀ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇ ਲੀਏ ਐਸੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਥੀ। प्रतिभागियों ने जशपुर टूर डे के आयोजन को सफल बताया और यहां की खूबसूरती को विश्व पटल पर स्थापित किए जाने की बात कही। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने, बेरोजगारी से जन्मी मानव तस्करी की रोकथाम और बच्चों के अधिकार के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये रैली आयोजित की गई। देश भर के साइकिलिस्ट सन्ना बगीचा से राजपुरी जलप्रपात तक कठिन रास्तों वाली इस रैली में शामिल हुए। रास्ता तक और नेशनल लेवल तक जाए, बल्कि हमारी जो खूबसूरती है जशपुर जिले की वो किसी भी किस्म से शिमला से कम नहीं है, छोटा स्कॉटलैंड भी है कह सकते हो आप। हमको एक पहचान मिलेगी, जैसे योगी भाई जी ने कहा, कलेक्टर साहब भी काफी इंटरेस्टेड हैं कि जशपुर को पर्यटन की दृष्टि से जाना जाए। और मैं एक चीज बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारे डीओपी साहब को मैं बधाई देना चाहूंगा कि मैं यहां से 25-25 पैकेट चाय का, ग्रीन टी और ब्लैक टी मैं ले गया था, वहां पे अधिकारियों के बीच में मैं उसको बांटा। चाइल्ड राइट बाल अधिकार उसको जो प्रमोट करना चाह रहे हैं और एक जो समस्या थोड़ी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, उसमें भी जागृति प्राप्त हो जाएगी। ज्यादा समय नहीं है, अंत में मैं सभी राइडर्स को यहाँ पे फिर से कहना चाहूंगा कि टूर दी जशपुर ये जो है, जो हमारे यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, जैविक विविधता है, उसको आपको निहारते हुए साइकिल चलाना है। ये कहाँ पे भी किसी भी तरह की कंपटीशन नहीं है, तो सब लोग ये ठीक से समझ लें। बैतूल जिले के आमला